हेलो वेलकम टू विप्रा माइंड्स चैनल। आज इस सेशन में हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल दैट हाउ टू एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल हियर इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 and express it in the form of 65m plus 117n, that is a linear combination form। So हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे 65 और 117 का HCF कैलकुलेट करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सो 65 एंड 117, सो विच नंबर इज ग्रेटर 117, सो इसको हम डिविडेंड लेंगे और इसको डिवाइजर बनाएंगे। सो देयरफॉर 117 इज इक्वल्स टू 65 इंटू, नाउ 65 इंटू 2 is 130, so that will become greater than 117, so 65 into 1, so remainder क्या हो जाएगा 52, so the remainder is not equals to 0। so next step में again क्या करना है आपको, जो divisor है और जो remainder है उसमें जो greater है, so 65 is greater, so उसको हम अभी dividend बनाएंगे। now the divisor will be 52, so now 52 into again 1, 52 into 1, 52, remainder is 13, again r is not equals to 0, so next step will be now 52 and 13, so 52 is greater, so it is a dividend is equals to 13 into, now 13 into 4 is 52, the remainder here is 0, so finally we got the remainder as 0, so what will be the HCF of the two numbers, so last step में हमको जो डिवाइजर होता है, लास्ट स्टेप में डिवाइजर ईयर इज 13, वो आपका क्या होगा HCF होगा, दैट इज HCF ऑफ 65 एंड 117, सो देयरफॉर HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13, सो फाइनली वी गॉट दी HCF। नाउ अभी इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज आपका जो HCF आ रहा है दैट इज 13, उसको मैं क्या करूंगा 65m और 117n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। सो नाउ 13 इज इक्वल्स टू, सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये लास्ट वाला जो स्टेप है उसको स्किप कर दीजिए। सो सेकेंड लास्ट स्टेप में अब क्या है, जो रिमाइंडर है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा हमारा HCF ही होगा, दैट इज 13। सो अभी हम यहाँ 13 को क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे और प्रोसीड करते। सो अभी देखो, अगर मैं यहाँ 13 को सब्जेक्ट बना दूँ दैट इज 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 एंड ये 52 इंटू 1 है, सो यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी माइनस 52 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13, सो इन द प्लेस ऑफ 13, सो दैट इज 13 इज इक्वल्स टू व्हाट 65 माइनस 52 इंटू 1, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 65 माइनस 52 इंटू 1। सो अगेन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो भी यहाँ पर डिवाइजर होगा, रिमाइंडर होगा या डिविडेंड होगा, वो जो वैल्यूज आएगा उसके साथ जो भी वैल्यूज होगा उसको हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है। सो इट इज 52 इंटू 1, सो राइट इट एज 52 इंटू 1। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब उसके प्रीवियस स्टेप पे जाएंगे, दैट इज यहाँ पर अब देखेंगे 52 रिमाइंडर है 52, नाउ विल मेक 52 एज अ सब्जेक्ट, सो 52 को अगर हम सब्जेक्ट बना सो इट विल बी 117, इसको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, अगेन यहाँ पर कोई साइन है मतलब प्लस, सो यहाँ आके शिफ्ट हो जाए, दैट इज 117 माइनस 65 इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 52, सो दैट मीन्स व्हाट 52 इज इक्वल्स टू 117 माइनस 65 इंटू 1। सो ये स्टेप में 52 जो जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे बाय 117 माइनस 65 इंटू 1, सो इट इज 13 इक्वल्स टू 65 माइनस, नाउ इन द प्लेस ऑफ 52 आई विल राइट 117 माइनस 65 इंटू 1, 65 इंटू 1, so it is 117 minus 65 into 1, so in the place of 52 we have written this, now into it is 1 into 1, now open the bracket, so 65 minus 117 into 1, so it is 117 into 1, minus into minus it will be plus, so 65 into that is 65 into 1 into 1. So 1 into 1 is 1. So it will be 65 into 1. Now the next step is, now 65 और यहाँ पर क्या है 65 into 1. That means what, यहाँ पर 65 one time है, यहाँ पर भी one time है. So it is total 2 times. So it will be 65 into 2. It is 65 into 2 minus 117 into 1. So HCF जो है वो 13 है और लास्ट में हमको वैल्यूज आ रहा है जिसका हमको HCF निकालना था, that is 65 and 117. So अभी मैं इसको प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो 65 into 2. So इसको मैं प्लस लिख सकता हूँ, प्लस 117 into minus 1 because plus into minus is minus. So we can write this step as plus 117 into minus 1. So अब next step में क्या करेंगे, 13 is equals to 65m. So in the place of 2 I can write m plus 117 into n. So here, so where m is equals to, m का वैल्यू क्या है 2 और n का वैल्यू क्या है -1. So therefore 13 is equals to 65m plus 117n. So this is a linear combination form. So this is how we can express the HCF of the numbers in linear combination form. Now m और n जो है उसका वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 and n is -1. So this is how we can express the HCF of given two numbers in linear combination form. So still if you have any doubt you can write in a comment section. Hope you have understood, and you can refer our previous video also, the first example, in that we have also explained the basic method that how we can proceed for such type of question where we have to express the HCF of given numbers in linear combination form. Hope it will be helpful for you. Thank you.